हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग एग्जाम भरा है, मौका भरा है, तो सबको ही चाहेंगे कि हमको एक बार इसमें मौका मिले, क्योंकि आपको पता है एसडीएम और डीवाईएसपी का सीट इस बार जितना आ रहा है उतना इसके पहले नहीं आ रहा। सीट ज्यादा है तो ऑब्वियसली मौका ज्यादा है। अब जिनका मान लो 2-3 साल पहले एज पूरा हो गया है, उनको तो लग रहा होगा कि काश ये मौका हमारे समय आया होता। आया तो नहीं था, अभी आया है, तो उनको एक कसक होगी। दूसरी तरफ जब वो अदर स्टेट को देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे वो तो 40 दे रहा है, वो तो 42 दे रहा है, शायद आई थिंक साउथ इंडिया के का शायद कर्नाटक पीसीएस है वो 44 दे रहा है, शायद एक बार देख लेना। तो उसको लेकर तो ये जिस तरह से जब वो देखते तो उनको लगता है कि अरे बिहार क्यों नहीं दे रहा, ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि बिहार के अंदर तो सरकारी जॉब को लेकर ही एक अलग क्रेज है। तो सवाल है एज बढ़ने को लेकर क्या चल रहा है, सिनेरियो क्या है। आपको पता है कि जो छात्र नेता सौरभ है बहुत अच्छा काम लगातार एफर्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार से ही मिले, अलग अलग शुरू से ही लगे हैं, अच्छा चल रहा है उनका। और अब क्या है यहाँ पे कि संभावना ये है, संभावना क्योंकि पिछली बार दिक्कत ये हो गया था कि अतुल प्रसाद चेयरमैन थे, वो स्टूडेंट के उन्होंने अच्छा काम किया नो डाउट, लेकिन बहुत स्टूडेंट के फेवर की बात नहीं करना चाहते, उनके ऊपर जब दबाव पड़ता था ना तभी वो करते थे, अदरवाइज नहीं करते थे। समझ में आ रहा है? तो यही स्थिति, ये कमोबेश स्थिति सब जगह की होती है, हमने जेपीएससी में अलग अलग एग्जाम में देखा है। अब सवाल है यहाँ पे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही बोला कि कोई भी अगर बदलाव करना है ना जो बियॉन्ड कोर्ट होगा तो वो सरकार ही चाहेगी तभी। अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन भी है तो वो भी हमें देखना है, थोड़ा पॉलिटिकली हो तो उनको भी फायदा होना चाहिए। अब सवाल ये है कि जो हलचल चल रही है उसमें हमारा योगदान क्या होगा, और क्या इस साल 70 में आप लोग को बढ़ता हुआ एज दिखेगा कि नहीं। तो एज फॉर इंफॉर्मेशन जो समझ में आ रहा है और जो पता चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये है कि थोड़ा सा आप लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाइए ताकि एक हलचल दिखे। हलचल बिल्कुल नहीं है, आपको पता है कोई कहीं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। आप में से कई स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप इस पे बोलिए, मैंने इसके पहले भी बोला, इसके पहले भी मैंने इस पे बात की है, और तो एक हलचल नहीं है, ठीक है। एक बार वो थोड़ा सा हलचल चाहिए, सबको लगता है, आपको पता है जब एक डेलीगेशन जाता है ना किसी से मिलने के लिए तो उनको ये लगता है कि उस डेलीगेशन के पीछे हजारों की भीड़ होनी चाहिए। तो यहाँ रोड पे उतरना और ये सब नहीं कहा जाता, आपके सबके पास मोबाइल है, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे एक हलचल बनाए, समझ में आ रहा है, जरूरी है। 70 में अगर एज इंक्रीज चाहिए तो आपको वो करना होगा। देखो एज इंक्रीज की जहां तक बात है तो एज इंक्रीजिंग तो होना ही होना है, एज तो आपका बढ़ेगा, आज बढ़े कल बढ़े परसों बढ़े, क्योंकि 37 है, बाकी सारे पीसीएस ने बढ़ा दिया है, तो आज न कल दबाव में आयोग एज बढ़ाएगी, सिंपल सी बात है। जब एज बढ़ेगा तो वो 40 भी हो सकता है और 42 भी हो सकता है। तो सवाल ये कि जब एज बढ़ने की बात हो ही रही है तो हम सीधा 42 का डिमांड क्यों नहीं करें, हम 42 का डिमांड क्यों ना करें। और इसमें गलती भी नहीं है, स्टार्टिंग में बात 40 की ही हुई, ठीक है, स्टार्टिंग में 40 पे ही बात चल रही थी कि 40 हो जाना चाहिए। अब जब अदर पीसीएस को देखा जा रहा है तो लग रहा है कि चलो 42 ही कर देते हैं, बिहार है, बिहार में वैसे भी सरकारी नौकरी को लेकर एक अलग क्रेज होता है, तो क्यों ना 42 की ही डिमांड करें। तो 42 का अगर हम डिमांड करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज, ठीक है, अब सवाल है कि ये क्या 70 का जो एग्जाम है इसमें मौका मिलेगा कि नहीं। देखिए चांसेस तो 100% है कि आपका एज इंक्रीज होगा, आज हो कल हो परसों हो, एज तो इंक्रीज होगा ही, क्योंकि जो सिनेरियो इसमें एज इंक्रीज तो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हमें 70 में चाहिए। अब 70 में जब चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, चांसेस यही है कि 70 में मौका मिल सकता है, इसकी संभावना प्रबल है कि इसी साल जब फॉर्म आएगा तो आपको मौका मिलेगा, इसकी संभावना प्रबल है, इसमें नो डाउट। एक तो ये, इसके बाद एज को लेकर तो 40 अभी चल रहा है, अगर इसको 42 कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, आप भी थोड़ा सा हलचल बढ़ा दीजिए। अब एक यहाँ पे समस्या आएगी, कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि अगर 42 अभी हो भी गया और बाय चांस मेरा क्रॉस कर गया है तो क्या हमको मिलेगा। तो यहाँ संभावना एक और है, दैट वो है एज रिलैक्सेशन का। 42 करने के साथ साथ इस फेज में जो 2-4 साल का जो फेज था कोविड का, इस दौरान जो लोग ठीक से तैयारी नहीं कर पाया कुछ, तो उनको हो सकता है एज रिलैक्सेशन भी मिल जाए, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक और बात सुन लीजिए, अगर इन केस इस बार नहीं मिलता है और आगे मिल जाता है, तब भी जिनका एज अभी एक्सपायर कर रहा है ना, समाप्त हो रहा है,
उनको मौका मिलेगा। ये एक मैं जस्ट एक बात कर रहा हूं, जब एज रिलैक्सेशन होता है ना, एज बढ़ाया जाता है तो उसके साथ रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो जिनका मान लो कि 42 क्रॉस भी कर रहा होगा 72 के लिए, उनको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति है, बट संभावना है कि बात बनेगी और आपको 70 लिखने का यानी 70 में अपेयर होने का मौका मिल सकता है। आप इसमें जो भी करना चाहते हैं, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और हम भी सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका एज इंक्रीज हो।